इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकेंड वाइल अ पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 35 सेकेंड फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू द पैसेंजर ट्रेन। यहाँ कहता है कि दो ट्रेनें हैं, एक गुड्स ट्रेन है, जैसे मान लिया ये गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और एक ये क्या है पैसेंजर ट्रेन है, और उनका जो स्पीड का रेशियो है वो 7:9 है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन जाहिर सी बात है गुड्स ट्रेन से तेज चल रही होगी, तो 60 सेकेंड में उसको क्रॉस कर जा रही है। और दूसरा कंडीशन कहता है कि ये जो पैसेंजर ट्रेन है और ये गुड्स ट्रेन है, इसमें एक पैसेंजर जो है, जो इस पैसेंजर ट्रेन में है, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को 35 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है, तो दोनों के लेंथ का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए लेंथ, यहाँ पर देखिए कि 60 सेकेंड जो दे रखा है जिसमें पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो इस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ 7:9 दे रखा है स्पीड का, तो हमने मान लिया कि गुड्स ट्रेन की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है और पैसेंजर ट्रेन की 9 मीटर पर सेकेंड है। एक्चुअल में ये स्पीड नहीं है, 7x और 9x मान सकते थे, या फिर हम 7 और 9 मान लें। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को जब कवर करेगी, यानी जब उसको ओवरटेक करेगी पूरी की पूरी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, वो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन टू क्रॉस होगा। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बड़े में से छोटा घट जाता है, यानी 9-7, ठीक है, 9-7 मल्टीप्लाइड बाई कितने सेकेंड में गुड्स पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है, तो 60 सेकेंड में क्रॉस करती है, यानी ये क्या आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी 120 मीटर। अब ये जो 120 मीटर होगा वो क्या होगा, वो ये पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा, तभी तो ये जो पैसेंजर ट्रेन है इस गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी। यानी यहाँ पे जब ये पैसेंजर ट्रेन का हेड यहाँ, जब ये पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर कहीं रही होगी, यहाँ पर इसका हेड रहा होगा और गुड्स ट्रेन यहाँ पर रही होगी, तो गुड्स ट्रेन अगर यहीं पर है तो पैसेंजर ट्रेन जब यहाँ से यहाँ कंप्लीट क्रॉस कर जाएगी, यानी इसके लेंथ और इसके लेंथ के बराबर जब क्रॉस कर जाएगी, तब जा कर के पूरी तरीके से क्रॉस कर पाएगी, यानी वो डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। वो जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी, दोनों ट्रेनों के लेंथ के सम के बराबर होगी। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है कि ये जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, और गुड्स ट्रेन ऐसे चल रही है, पैसेंजर ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो गुड्स ट्रेन के लिए एज अ पोल हो जाएगा, एज अ गुड, ये जो ऑब्जर्व करेगा ये एज अ पोल ऑब्जर्व करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो जब ये पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, तो इस ये पैसेंजर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये गुड्स ट्रेन के बराबर ट्रेवल किया होगा। क्यों, क्योंकि ये इस ट्रेन के साथ स्टेशनरी है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो लेंथ ट्रेवल करेगा वो लेंथ क्या हो जाएगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, लेकिन किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, ट्रेवल तो करेगा जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों के रिलेटिव होगी, क्योंकि ट्रेन भी जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी गतिमान है, यानी रिलेटिव स्पीड वही रहेगी 9-7 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, कितना लगा रही है ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में, वो पैसेंजर कितने समय में देख रहा है कि वो गुड्स ट्रेन कवर हो गई, यानी 35 सेकेंड में, तो 2 × 35 यानी 70 मीटर। अभी हमें लेंथ पता चल गई गुड्स ट्रेन की 70 मीटर, तो हम इसमें पुट कर दें तो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन पता चल जाएगा, यानी लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये हो गया 120 मीटर, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन 70 है तो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो गया 50 मीटर। तो रेशियो क्या आ गया, लेंथ ऑफ गुड्स टू लेंथ ऑफ पैसेंजर क्या आया, 70:50, यानी 7:5, ठीक है।